गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का 5:30 इवनिंग का टाइम, और मैं डालने जा रही हूँ यहाँ लाल मिर्ची का भरमा अचार, क्योंकि ये है मेरा फेवरेट अचार। तो मेरे सारे फेवरेट हैं, लेकिन मिर्ची में मुझे लाल मिर्ची का ही अचार सबसे अच्छा लगता है। सो अभी मार्केट में इसी टाइम में ये लाल मिर्ची आती हैं, सो मार्केट में आ गई थी तो मेरे हस्बैंड बोल ले आए थे, तो मैंने कहा चलिए इसका अचार डालते हैं और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो ये मैंने मसाला अभी बनाया नहीं है, लेकिन जो पुरानी मिर्ची का मसाला था वो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था, तो आपको दिख रहा होगा अलग से ये ऑयल वाला। और इसमें मैंने सूखा मसाला डाला है, सौंफ और राई पीस के, और ये जो पुरानी मिर्ची का मसाला था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अभी मैं इसमें मसाले डालूंगी, और बस मैंने इसमें राई और सौंफ ही डाली थी। और ये देखिए कितनी फ्रेश फ्रेश मिर्ची हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में। अब मैं इनको कर लूंगी कट। ये देखिए बीच में से कट लगा लिया है मैंने इन सारी मिर्चियों में, ये देखिए ऐसे बस कट लगा लिया है इनमें। अब इनमें मैं अब इसका मसाला तैयार करूँगी मैं। ये देखिए इसमें मैंने सिर्फ राई और सौंफ ही डाली थी, और थोड़ा पुराना मसाला बचा हुआ था मिर्ची का, सो मैंने थोड़ा सा इसमें वो डाल दिया था। सो मैंने अब इसमें डाला है 1 चम्मच हल्दी डाली है। अब मैं डालूंगी इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। ये देखिए मैंने डाल दिया है इसमें नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं नमक। सो मैंने अपने अंदाज से ही डाला है, ये डाल दिया मैंने इसमें नमक। मुझे लाल मिर्ची ना बहुत ही अम्मी लगती है, सो अच्छी रोटी खा लेते हैं लाल मिर्ची के अचार से। आई थिंक मिर्ची का अचार, मिर्ची का क्या, सभी का अचार आई थिंक सबको पसंद आता है। सो यहाँ मैंने इसमें नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी है। अब इसमें मैं डालूँगी ऑयल, कच्चा ऑयल ही डालूँगी, पका के नहीं, सिर्फ कच्चा ऑयल थोड़ा सा डाला है, इससे कि मसाला जो है वो सेट हो जाए अच्छे से, मिर्चियों में भर जाएगा। सो मैंने डाल दिया है इसमें ऑयल। अब इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। सो अब मैं इसको स्पून की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए ये कर रही हूँ मैं इसको अच्छे से मिक्स। और फ्रेंड्स बताइएगा किस किस को लाल मिर्ची का अचार अच्छा लगता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हो कर रही हूँ मैं इसको मिक्स। थोड़ी नमक की इसमें ढेली सी बन गई थी, सो क्योंकि ना हम लोग वाइट नमक, जो सफ़ेद नमक जो डेली यूज़ का नमक होता है वो हम लोग सादा नमक यूज़ करते हैं। मैं जो वाइट नमक आता टाटा का पहले वो करती थी, लेकिन टाटा वाला मैंने अभी बंद कर रखा है। मैं इस खाने में भी अपना सादा नमक, व्रत में तो खाते ही खाते हैं, बट मैं खाने में भी सादा नमक ही यूज़ करती हूँ। सो इसमें हल्का सा और ऑयल डालूँगी, सूखा सा लग रहा था मुझे, सो डाल लिया मैंने ऑयल। और सादा नमक में ना ऐसी गुठलियाँ सी बनी जाती हैं, डेली बन जाती हैं नमक की, जो कि बोलते हैं सादा नमक ही खाना चाहिए डेली यूज़ में भी, सो हम लोग वही खाते हैं। वाइट नमक तो मैंने बहुत दिन से बंद करके रखा हुआ है, अब नहीं खाते वो वाला नमक, जो टाटा वाला नमक होता है वो नहीं खाते हैं हम लोग सादा नमक ही खाते हैं। ये देखिए हो चुका है मेरा अच्छे से मसाला बन के रेडी। ये देखिए बस अब मैं जाऊंगी मिर्ची को भरने के प्रोसेस में। सो ये देखिए बस अब आ गई हूँ मैं मिर्ची को भरने की प्रोसेस में। ये देखिए बस मसाले को ऐसे, मिर्ची को ऐसे खोल के इसमें ऐसे मसाला डाल दीजिए, बस हो गए। अब इसको देखिए दिखा रही हूँ मैं आपको, थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि किचन में हमारी थोड़ी सी लाइटिंग कम सा लगता है मुझे। ये देखिए ये डब्बा है कंटेनर, इसमें मैं डालती जाऊंगी। ये मिर्ची का ही कंटेनर था पहले, ये देखिए वो आ गया। हेलो फ्रेंड्स बोल रहा है आप सब लोगों को, ये देखिए देखो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ जैसे मैं बोलती हूँ ना वीडियो में, वैसे ही बोलता रहता है, नकल करता है, देखो कुछ बोल रहा है आप लोगों को। सो यहाँ पर मैंने मिर्चियों में मसाला भर दिया है और इसको इस कंटेनर में डालती जा रही हूँ। ये कंटेनर मेरी पुरानी मिर्ची का ही है, जिसमें पुरानी मिर्ची का अचार था वो हो गया ख़त्म, सो मैंने इसी कंटेनर में ये मिर्ची का अचार डाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसी मैंने सारी मिर्चियाँ भर के हो गई मेरी तैयार। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं ये, और इसको आप 3 या 4 दिन में देख
खा सकते हैं, लेकिन टेस्ट इसका थोड़ा 5 से 6 दिन इसको रखा रहे, फिर इसमें ऑयल डाल के तब इसका टेस्ट आता है अच्छा। सो इसको मैं अभी ऐसे रखी रहने दूँगी 4 से 5 दिन के लिए, उसके बाद खाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं इसका, बस इसका ऐसे ढक्कन बंद करके इसको मैं रख दूँगी अलग। ये देखिए फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये लाल मिर्ची का अचार बहुत ही टेस्टी बनता है, सच में यकीन मानिए। चलिए फ्रेंड्स, हो चुका है हमारा लाल मिर्ची का अचार रेडी। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या हो रहा है हमारे घर में, देखो रजाई में छुप के, छोटे भाई से छुप के चिप्स खाए जा रहे हैं। ये देखिए मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये कर क्या रहा है गुन्नू, मैंने कहा बाबू क्या कर रहे हो, कि मैं कुछ नहीं कर रहा। तो देखिए ये रजाई ओढ़ के चिप्स खा रहा है छोटे से, वो छोटा पीछे बैठा हुआ है, ये देखिए वो छोटा पीछे बैठा है, वो टीवी देख रहा है, अपना कार्टून देख रहा है, ये चिप्स खाने में मस्त हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये देखिए मस्ती करते हुए मेरे दोनों बेटे।